सो गाइस, आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देखा उसी टाइप का आज हम आपको स्टेटस बनाना सिखाएंगे। ओके, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना तभी आप अच्छे से स्टेटस बनाना सीख पाओगे। ओके गाइस, तो गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा सभी मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, और गाइस इस वीडियो में जो भी फोटो यूज़ करूंगा सभी फोटो की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ओके, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लीजिएगा। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे आप फर्स्ट बार लाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो नीचे प्लस का ऑप्शन है तो प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है तो प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। ओके, तो प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बीटमार्क और शेक इफेक्ट वाली दो प्रीसेट आपको लिंक मिलेगी, उसे इंपुट कर लीजिएगा। ओके, सो इंपुट करने के बाद यहाँ पे बीटमार्क वाली जो प्रीसेट होती है उसे ओपन कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पे बीटमार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया हूँ। उसे ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जैसे सॉन्ग के हिसाब से बीट लगे हैं वैसे आपको यहाँ पे फोटोज़ को ऐड करना। ओके, तो गाइस फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक कर देना है, इमेज एंड मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपकी गैलरी से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस मैं इस वीडियो में जो भी फोटोज यूज़ करूँगा सभी फोटो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं करो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सो फोटो को लेने के बाद अपने को इस वाले एरो पे क्लिक करना है, अगले जो नेक्स्ट बिट होता है वहाँ तक आ जाएगी, एंड इसका आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फोटो को फुल स्क्रीन करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना। सो फोटो आ चुकी, सो फिर से नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करने के लिए फिर से मीडिया में क्लिक कर देना और यहाँ से आपको कोई से भी एक फोटो को ले लेना है। सो गाइस सभी फोटो आप एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको एक साथ सभी फोटो ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो का एक साथ ऐड कर लिया, तो आपको भी ऐड कर लेना। ओके, सो गाइस यहाँ पे फोटो को ऐड करने के बाद अपने को गाइस बैग आ जाना और शेक इफेक्ट वाली जो प्रीसेट होती है उसे ओपन कर लेना। सो यहाँ पे मैं शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो जो फर्स्ट वाली फोटो थी उस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, और 3 डॉट में जाने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ से कॉपी इफेक्ट में कर लेना है। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आना है और यहाँ से फिर से अपने को जो बीट मार्क वाली जो प्रीसेट होती है उसे ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया हूँ। सो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद गाइस अपने को यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फोटो उस वाले फोटो पे इस वाले इफेक्ट को अपने को यहाँ से पेस्ट कर देना इस तरह से, तो इफेक्ट जो होता है लग जाएगा। ओके, देन फिर से सॉरी गाइस बैग हो चुका है, बट यहाँ से मैं वापस ओपन कर लेता हूँ बीट मार्क वाली प्रीसेट को। सो यहाँ से फिर से ओपन करने के बाद फिर से एक बार नीचे आना है, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे दो फोटो की लेंथ छोटी और बाकी एक फोटो की लेंथ बड़ी है। तो जो यहाँ पे आपको दो फोटो एक साथ लगी है और दोनों फोटो की लेंथ छोटी है उसी फोटो में जो मतलब पहले वाले इफेक्ट को अपने को यहाँ पे ऐड करना है, तो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ से फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट में जाना, 3 डॉट में जाने के बाद इस तरह से इसमें पेस्ट इफेक्ट को कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो एडिट करने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो गाइस इसी तरह से आपको जैसे मैं कर रहा हूँ इन दो फोटो में ही इस वाले इफेक्ट को मतलब पेस्ट करना है, तो गाइस आप कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद मैं फिर से बैग आ जाता हूँ, फिर से शेक इफेक्ट वाली जो प्रीसेट होती है उसे ओपन कर लेता हूँ। सो इसे ओपन करने के बाद यहाँ से दूसरे नंबर का जो इफेक्ट होता है उस वाले इफेक्ट 3 डॉट में जाने के बाद इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट में कर लेना है। सो गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद अब अपने को यहाँ से फिर से बीट मार्क वाले जो प्रोजेक्ट होता है उसे ओपन कर लेना है। सो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब देख सकते हो यहाँ पे इस फोटो की लेंथ लंबी है, तो इसी वाले इफेक्ट को इस फोटो में ऐड करना है गाइस। तो आपको यहाँ से जल्दी से कर लीजिएगा, मैं अगर एक एक फ़ोटो में आपको करके दिखाता हूँ तो गाइस वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाता। ओके, तो इस तरह से आपको कर लेना है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो फोटो पे क्लिक कर देना और इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है, तो इफेक्ट आपके सारे जो लग जाएंगे। ओके,
तो आप एक साथ कर लीजिएगा, मैं आपको एक साथ सभी फ़ोटो में करके दिखाता हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फ़ोटो में इफेक्ट को ऐड कर लिया हूँ, तो आपको भी ऐड कर लेना। ओके सो इफेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मेरे चैनल का लोगो नहीं ऐड कर रहा हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा। ओके सो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।